तो यदुवंशम के कुल गुरु गर्गाचार्य जी बोले, हे कृष्ण, हे बलराम, आपको विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन इंद्र के पास मध्य प्रदेश में महाकाल ज्योतिर्लिंग है, वहां गुरु संदीपरी के विद्यालय में जाना पड़ेगा। अब ये बात को सुनकर के कई व्यक्ति सोचते होंगे, ये यदुवंशों के कुल गुरु गर्गाचार्य है, वो कृष्ण बलराम को क्यों नहीं पढ़ाया, जैसे वशिष्ठ जी राम जी पढ़ाए थे, ऐसे गर्गाचार्य कृष्ण बलराम को पढ़ा सकते थे, वो संदीपनी के पास में क्यों भेजे। देखो, संदीपनी ये गर्गाचार्य जी के शिष्य है, गर्गाचार्य जी संदीपनी के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कृष्ण बलराम को संदीपनी के पास भेज रहे। तो श्री कृष्ण बलराम मथुरा से उज्जैनी नगर आए, गुरुकुल के निकट आ गए, तो वहां एक विद्यार्थी बैठ कर रो रहा था। श्री कृष्ण रथ से उतर करके उसको बोले, भैया आप क्यों रोते हैं। विद्यार्थी ने कहा, मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ है, कांटा वो निकल नहीं रहा है, और विद्यालय का सभी ये समय जो हो गया, गुरु जी हाजिर भर रहे होंगे, तो श्री कृष्ण उसके चरणों को लेकर के अपने दांत से वो कांटा को निकल लिया। श्री कृष्ण बोले, भैया मैं आपके साथ मित्रता बांधना चाहता हूँ। विद्यार्थी ने कहा, आप कौन है। कृष्ण बोले, मैं यदुवंशी हूँ, मथुरा का